हेलो एवरीवन वन इन टूडेज़ वीडियो वी शैल स्टडी द थर्ड चैप्टर ऑफ क्लास एट एनसीईआरटी एंड द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी इज द सेल्फिश जाइंट यहाँ सेल्फिश का मतलब क्या है तो सेल्फिश का मतलब है स्वार्थी सेल्फिश मींस स्वार्थी और जाइंट का मतलब होता है दानव तो ये कहानी है एक स्वार्थी दानव की एक ऐसे दानव की एक ऐसे दायित्य की एक ऐसे विशाल गाय की जो कि काफ़ी स्वार्थी है वो अपनी चीज़ें दूसरों के साथ बांटना नहीं चाहता तो स्टोरी के फर्स्ट पार्ट में हम देख पाएंगे कि जो जाइंट का बागीचा है वो काफ़ी सुंदर है ब्यूटीफुल है और बच्चे वहाँ पर आकर खेलना पसंद करते हैं लेकिन जो जायंट है वो सेल्फिश है उसने अपने उस लवली गार्डन के चारों ओर ऊँची ऊँची चारदीवारी घिरवा रखी है चिल्ड्रन डिड नॉट एंटर द गार्डन देयर आफ्टर इसके बाद बच्चे उस बगीचे में जाने से नहीं जा पाते हैं डिड नॉट एंटर द दे गार्डन देयर आफ्टर क्योंकि उसने घेराबंदी करवा रखी है नॉट डिड स्प्रिंग एंड समर टिल द जान्ट एक्सपीरियंस्ड अ चेंज ऑफ हार्ट तो ना तो बच्चे ही आते हैं और ना तो स्प्रिंग सीज़न जो कि सबसे खूबसूरत सीज़न माना जाता है तो वो सीज़न भी उस बगीचे में एंटर नहीं कर पाता और वैसा ही समर सीज़न के भी साथ है तो इसके बाद जब ये दोनों ही सीज़न एंटर नहीं कर पाते बगीचे में तो जाकर इस जाइंट इस राक्षस इस दैत्य को अपनी गलतियों का एहसास होता है और उसका हार्ट जो है वो चेंज होता है उसका हृदय परिवर्तन होता है आइए शुरू करें कहानी को एवरी आफ्टरनून एज दे वर कमिंग फ्राम स्कूल द चिल्ड्रन यूज टू गो एंड प्ले इन द जान्ट्स गार्डन हर दोपहरी बच्चे जब स्कूल से घर वापस आ रहे होते हैं तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है उस बगीचे में जाकर खेलना कूदना लार्ज लवली गार्डन विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास ये वाकई में एक काफी सुंदर सा बागीचा था जिसमें कि हरे भरे घास उगे हुए थे ब्यूटीफुल फ्लावर्स लाइक स्टार्स एंड देयर ट्वेल्व पीच ट्रीज इन दिंग टाइम ब्रोक आउट इंटू डेलीकेट ब्लॉसम्स ऑफ पिंक एंड पर्ल एंड ऑर्डम बोर्ड रिच फ्रूट और जो बागीचा था वो हरी भरी मखमली घास के अलावा वहां पर कुछ uh, सुंदर फूलों के पेड़ भी थे फूल वाले पौधे भी थे जो कि बिल्कुल तारों जैसे दिखते और वहाँ पे बारह पीच के पौधे भी थे पीच ट्रीज़ थे जो कि स्प्रिंग टाइम में उनमें ब्लॉजम्स निकलते उनमें कलियाँ खिलती पिंक कलर की और ऑटम सीजन में उनमें फल निकलता द बर्ड्स सैट ऑन द ट्रीज एंड सेंग सो स्वीटली द चिल्ड्रन यूज टू स्टॉप दियोर गेम्स इन ऑर्डर टू लिसन टू देम और उस बगीचे में इतनी सारी चिड़िया पक्षियाँ आते और वो इतने मधुर स्वर में गाते कि बच्चे अपना खेल छोड़कर उनके गीत को सुनना शुरू कर देते हैं हाउ हैप्पी वी आर दे क्राइड टू ईच अदर और वो बच्चे आपस में चिल्लाते कि अरे कितना अच्छा हमें यहाँ आकर लगता है हाउ हैप्पी वी आर हियर एक दिन जाइंट वापस आया उसे अपने किसी दोस्त से मिलना था द कॉर्निश ऑग्रे एंड एट स्टेड विथ हिम फॉर सेवन ईयर्स वेन ही अराइव्ड ही सॉ द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन जब वो वापस आता है तो उसे उसके बगीचे में कुछ बच्चे खेल रहे मिलते हैं वट आर यू डूइंग हीयर क्राइड इन अ वेरी ग्रफ वॉइस एंड द चिल्ड्रेन रैन अवे वो बिल्कुल बच्चों को बिल्कुल रफ वॉइस में कहता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो और ऐसा सुनकर बच्चे डर के वहाँ से भाग जाते हैं उसके बाद अगर हम आगे पढ़ें तो माई ओन गार्डन इज़ माई ओन गार्डन सेट द चाइंड एनी वन कैन अंडरस्टैंड दैट एंड आई विल अलाउ नो बदी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ सो हे बिल्ट अ हाई वॉल ऑल अराउंड इट एंड पुट अपट स्पोर्ट उसने कहा कि मेरा गार्डन सिर्फ मेरा गार्डन है और यहाँ पर मेरे अलावा और कोई भी नहीं रहेगा कोई भी नहीं खेलेगा मैं यहाँ खुद रहूँगा और खुद से ही खेलूँगा आई विल नाट अलाउ एनी बदी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ तो उसने उस बगीचे के चारों तरफ ऊँची ऊँची दीवारें घिर लीं स्ट्रेस पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड अब उसने कहा कि इस नियम को तोड़ने वालों को जो भी इसमें बेदखल इसमें दखलंदाजी की कोशिश करेगा उसे सजा दी जाएगी ही वॉज़ अ वेरी सेल्फिश चाइल्ड वह बहुत ही सेल्फिश चाइल्ड था अब जब पूरा बच्चे बेचारे बच्चे उनके पास अब खेलने को जगह नहीं थी द ट्राई टू प्ले ऑन द रोड उन्होंने सड़क पर खेलने की कोशिश की बट सड़क जो था वो काफ़ी धूल भरा था हार्ड स्टोन्स थे और उन्हें यह पसंद नहीं आ रहा था दे यूज़ टू वॉन्डर राउंड द हाई वॉल्स वन देयर लेसन वर ओवर एंड टॉक अबाउट द ब्यूटिफुल गार्डन इन साइड हाउ हैप्पी वी वर देयर टू ईच अदर स्कूल की छुट्टियों के बाद वो उस गार्डन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं कि काश दोबारा उन्हें इसमें जाने का मौका मिल पाए काश कि दोबारा उसमें इन्हें खेलने का मौका मिल पाए लेकिन वो अपसेट होते और आपस में ही बातें करते कि क्या ही अच्छे दिन थे जब वो यहाँ पे जाया करते थे दिन द स्प्रिंग केम फिर स्प्रिंग सीजन आया एंड ऑल ओवर द कंट्री देर आर लिटल ब्लॉजम्स एंड लिटल बर्ड्स पूरे उस गाँव के पूरे इलाके में हर जगह करियाँ खेली थी छोटे छोटे बर्ड्स आ चुकी थी ओनली इन द गार्डन ऑफ द शेल फिश जाइंट इट वॉज स्टिल विंटर लेकिन उस जायंट के बगीचे में अभी भी विंटर का ही सीजन था मतलब वहाँ पर कुछ भी नयापन नहीं था द बर्ड्स डिड नाट केयर टू सिंग इन इट एज देर वेर नो चिल्ड्रेन एंड द ट्रीज फॉग टू ब्लॉसम अभी क्योंकि वहाँ पर कुछ कोई भी बच्चा ना कोई बच्चा खेलने को था और ना पेड़ों पर नए पत्ते ही आए थे तो कोई चिड़िया भी वहाँ पर अपनी चहचाहट सुनाने को नहीं आ रही थी वंस अ ब्यूटिफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास बट वेन इट सॉ द नोटिस बोर्ड इट वॉज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रेन दैट इट स्लिप बैक इन टू द ग्राउंड अगेन एंड वेंट ऑफ टू स्लिप एक बार की बात है एक ब्यूटीफुल फ्लावर ने कोशिश की कि वो उन खास उन झाड़ियों में से बाहर निकलकर आने की कोशिश करे लेकिन जैसे ही उसने वो नोटिस लगा देखा डिसाइड तो किया कि वो उन बच्चों का में रख कर दुबारा इस गार्डन में बाहर नहीं आएगा द ओनली पीपल द स्नो एंड द फॉरेस्ट सिर्फ दो ही लोग खुश थे एक था स्नो और दूसरा था फ्रॉस्ट स्प्रिंग हियर ऑल द यर राउंड वो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं कि वसंत ऋतु ने तो यहाँ का रास्ता खो दिया है स्प्रिंग है फॉगट दिस गार्डन सो वी विल लिव ही अब यहीं हम लोग हमेशा ही रहा करेंगे द स्नो कवर्ड ऑफ द ग्रास विथ हर ग्रेट वाइट क्लोक क्लोक आप जानते होंगे अपने राजा महाराजा को देखा होगा कपड़े पहने हुए जिसे हम लोग रोब भी कहते हैं तो वही रोब जो होता है वही क्लोक जो होता है तो अब विंटर ने जब उसे पता चल गया कि स्प्रिंग यहाँ पे आने वाला नहीं है तो उसने पुरारी घास को वो क्लोक पहना दिया एक तरीके से एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर और धुंध की वजह से फ्रॉस्ट की वजह से कोहरे की वजह से जो पेड़ की पत्तियाँ थीं वो भी सिल्वर हो चुकी थी देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद दैम एंड ही केम और फिर उन्होंने मतलब स्नो और फ्रॉस्ट ने नॉर्थ विंड को बुलाया कि आप भी यहीं पर आकर के हमारे साथ रहना शुरू कर दो ही वॉज रैप्ड इन फर्स्ट एंड ई रोड ऑल डे अबाउट द गार्डन एंड ब्लू द चिमनी पॉट्स डाउन दिस इज डिलाइटफुल स्पॉट ही सेट वी मस्ट आस्क हेल ऑन अ विजिट वो आपस में बात कर रहे थे कि हमें यहाँ पे हेल मतलब जो पत्थर गिरते हैं ठंड के मौसम में तो हमें यहाँ पे हेल को भी बुलाना चाहिए फाइनली हेल भी आ गया सो हेल केम Every day फॉर थ्री hours ही rattled ऑन द रूफ ऑफ द कैसल टिल ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स एंड देन ही ran अराउंड एंड राउंड द गार्डन as फास्ट as ही कुड गो ही was dressed इन ग्रे एंड his ब्रिथ was लाइक like आइस और फिर हेल ने भी उस पार्क में कब्ज़ा जमा लिया वो छत पे गिरता पूरे गार्डन में चक्कर लगाता और बिल्कुल ठंडी हवा चल रही होती I cannot understand why the spring is so late in coming, said the selfish giant as he sat at the window and looked out at his cold white garden. I hope there will be change in the weather. अब बेचारा सेल्फिश जाइंट स्वार्थी दानव ये सोच रहा है कि मुझे मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि भला वसंत ऋतु यहाँ अभी तक आई क्यों नहीं इतनी लेट क्यों हो गई आने में और जब वो खिड़की से बाहर देखता है तो वो सोचता है अपने वाइट गार्डन को देखते हुए कहता है कि मुझे ये उम्मीद है कि अब शायद कुछ दिनों में सीजन चेंज हो लेकिन स्प्रिंग नहीं आया यहाँ तक कि गर्मी की मौसम भी गर्मी की ऋतु भी नहीं आई द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन बट टू दाइन्ट्स गार्डन शी गेव नन बाकी सारे गार्डन्स में तो वहाँ पर हरे भरे फल फूल निकल आए थे लेकिन जाइंट के गार्डन में उसने कुछ भी नहीं दिया selfish, so ही इज टू सेल्फ सेल्फिश सेड सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर क्योंकि वो काफ़ी स्वार्थी था तो वहाँ पे कभी भी स्प्रिंग और समर आया ही नहीं वहाँ हमेशा विंटर का ही सीजन रहा एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल एंड द फ्रास्ट एंड द स्नो डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज और उस बगीचे को तबाह करने के लिए नॉर्थ विंड हेल फ्रॉस्ट और स्नो इन सभी ने अपनी अपनी भूमिका निभाई साढ़े के सारे पेड़ जो थे वहाँ पर तबाह हो चुके थे वन मॉर्निंग द giant वॉज लाइंग awake in bed when वेन he heard some सम लवली म्यूज़िक एक सुबह जब जाइंट अभी अपने बस्तर में सोया ही था उसे एक लवली म्यूज़िक सुनाई दिया It sounded so sweet सो स्वीट टू हिज he थाट दैट देर मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियंस पासिंग बाई ये इतना अच्छा साउंड कर रहा था कि उसे ऐसा लगा कि जैसे कि कोई शाही म्यूजिशियंस हो राजा के म्यूजिशियंस हो जो आस जो की बगल से पास कर रहे हों इट वॉज रियली ओ लिटलट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो बट इट वॉज सो लॉन्ग अ बर्ड सिंगिंग इन हिज गार्डन दैट इज सीन टू हिम टू बी द मोस्ट ब्यूटिफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड अभी ये जो गाने की आवाज़ थी ये जो म्यूजिक थी वो एक बहुत सी छोटी सी चिड़िया लिनट की सिंगिंग थी लेकिन क्योंकि उसे ये भी सुना हुआ काफ़ी वक्त हो चुका था तो उसे लगा जैसे कि ये दुनिया का सबसे ब्यूटिफुल म्यूजिक हो फिर उस चिड़िए उस चिड़िया के गाने की आवाज़ के बाद Then the hail stopped dancing over his head and the north wind ceased roaring and a delicious perfume came to him through the open casement. I believe the spring has come at last," said the giant, and he jumped out of bed and looked out. जब उसने देखा कि अब हेल, फ्रॉस्ट, स्नो इन सब ने भी अपनी अपनी कार्यविधियाँ बंद कर दी हैं उस पार्क में उस गार्डन में, तो वो खुद से कहता है कि मुझे लग रहा है कि अब स्प्रिंग यहाँ पर आ चुका है। और वो अपने बिस्तर से बाहर निकल कर खिड़की से बाहर देखने की कोशिश करता है यहाँ लिख रहा है लेनेट का मतलब अ ब्राउनिश सॉन्ग बर्ड फाउंड इन यूरोप अभी यहाँ कॉम्प्रिहेंशन चेक के कुछ क्वेश्चन हैं कि जॉन्ट को सेल्फिश क्यों कहा जाता था बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट दैट एनी बॉडी शुड कम इन टू हिज गार्डन टू प्ले एंड ही विल प्ले ऑन हिमसेल्फ ऑन वन ऑफ हिज द चिल्ड्रेट हाउ हैप्पी वी आर हियर हेयर एट अट हाउ हैप्पी वी वर देयर वट आर रेफरिंग टू इन बोथ द केसेस सो इन द फर्स्ट केस द रिफर टू दट दे वन देर प्लेइंग इन द गार्डन एंड सेकेंड टाइम दे फील वेरी अप सेट बिकॉज दे हैव बिन रेस्ट्रिक्ट एंटरिंग द गार्डन अब आइए पार्ट टू को पढ़ते हैं पार्ट टू में हम क्या देख रहे हैं कि टू सेलिब्रेट द रिटर्न ऑफ द चिल्ड्रेन ट्रीज कवर्ड दम सेल्फ विद बर्ड्स एंड ब्लॉसम्स जब बच्चों को जब बच्चों के आने की आहट पेड़ पौधों को मिलती है तो उन्होंने खुद को हरियाली से ढक लिया अब जो जायंट था वो भी इतना खुश था डिलाइटेड था अपने फ्रेंड्स को वापस पाकर स्पेशली अ लिटिल बॉय हुम ही लव्ड डियरली उसमें एक ऐसा छोटा बच्चा था जिसे कि जो जायंट था वो काफ़ी प्यार करता था लिटिल बॉय होम डिजापियड ओनली टू रिटर्न मच लेटर जो छोटा सा बच्चा था वो गायब हो जाता है और काफ़ी समय बाद वापस आता है तो क्या है इस सेकेंड पार्ट में लेट्स रीड टू फाइंड आउट ही वॉज अ मोस्ट वंडरफुल साइट थ्रू अ लिटिल होल इन द वॉल ऑफ द चिल्ड्रेन हेड क्रैप्टिन

ग्लैड का मतलब होता है खुश हो जाना इतने उत्साहित थे कि बच्चे वापस आ गए हैं एंड दे हैड कवर्ड दिल्व विद ब्लॉसम्स और पेड़ ने खुद को पत्तियों से ढक लिया कलियों से ढक लिया और अपने जो आर्म्स थे वो जेंटली हवा में वो झूला रहे थे बच्चों के साथ वो भी पेड़ भी खेलना शुरू कर चुके थे द बर्ड्स वे फ्लाइंग अबाउट एंड ट्विटरिंग अबाउट विद दिलाइट एंड द फ्लावर्स वेअ लुकिंग अप थ्रू द ट्री ग्रीन ग्रासेस एंड लाफिंग और जो फ्लावर्स थे वो भी हरी भरी घास के बीच से निकल रहे थे और खिलखिला रहे थे हंस रहे थे ये वाकई में एक लवली सीन था ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर अब उस बगीचे के एक कोने में अभी भी विंटर था इट वॉज द फार्जेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन ये उस बगीचे का सबसे अंतिम छोर था एंड इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय और यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा खड़ा था इन इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय ही वॉज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेज ऑफ द ट्री वो बच्चा इतना छोटा था कि वो पेड़ की डालियों पे चढ़ नहीं पा रहा था और वो वॉन्डरिंग ऑल राउंड इट क्राइंग बिटल डी दुअर ट्रीज वर स्टिल कवर्ड विथ फ्रॉस्ट एंड स्नो एंड द नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग एंड रोरिंग अबाउट इट गार्डन के उस हिस्से में हरियाली अभी तक नहीं आई थी सर, सर्द ठंड हवाओं ने तूफान ने हेल ने स्नो ने अभी भी वहाँ पे कब्जा जमाए रखा था और छोटा सा बच्चा वहाँ पे रो रहा था क्लाइंब अप लिटिल बॉय सेट द ट्री उसी में से एक पेड़ कहता है कि अरे छोटे बच्चे चढ़ जाओ तुम एंड इट बेंट इट्स ब्रांचेज डाउन एज लो एज इट गुड बट दॉ टू टाइनी उस पेड़ ने पूरी कोशिश की कि वो झुक कर पौधे तक अपने पेड़ की डालियों को बच्चे तक पेड़ की डालियों को पहुँचा सके लेकिन वो जो बच्चा था वो काफ़ी छोटा था ही वॉज टू टाइनिंग एज अ जाइंट हर्ट मेल्टेड एज ए लुकड आउट जाइंट ने जब खिड़की के बाहर देखा तो उसका हृदय बिल्कुल पिघल गया पसीज गया हाउ सेल्फ यू शाई वो सोचता है कि अरे मैं कितना स्वार्थी था हिसेट नाव आई नो वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हेयर अब मुझे समझ आया कि यहाँ स्प्रिंग क्यों नहीं आ रहा था आई विल पुट दैट पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री मैं उस छोटे से बच्चे को पेड़ के ऊपर बैठा देता हूँ एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर कहता है कि मैं उस बच्चे को पेड़ पे चढ़ा देता हूँ और फिर इन सारे दीवार जो मैंने इस बगीचे के चारों तरफ खड़ा कर रखा है उन्हें मैं गिरा देता हूँ ताकि बच्चे इसको इंजॉय कर सकें और बच्चे यहाँ पर हमेशा के लिए आते रहें ही वॉज रियली सॉरी फॉर वॉट ही हैड डन वॉट ही हैड डन मीन्स जो कुछ भी उसने किया था तो जो कुछ भी उसने किया था वो उसके लिए काफ़ी शर्मिंदा था काफ़ी उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था सो ही क्रैप्ट डाउन स्टेयर्स वो जल्दी से सीढ़ियों के नीचे आया और उसने अपने फ्रंट डोर को सॉफ्टली खोला और फिर बगीचे में गया लेकिन जो बच्चे थे सो हिम दे बिकम सो frightened दैट दे ऑल रन अवे and द गार्डन बिकेम विंटर अगेन अब उस जाइंट के जा, जब वो जाइंट गार्डन में आया तो बच्चे उसे घबरा कर भाग गए और बच्चों के जाने के साथ ही वहाँ पर गार्डन जो था वो बिल्कुल विंटर उसमें दोबारा से आ गया सिर्फ जो लिटिल बॉय था वो वहाँ से भागा नहीं वो वहीं रहा फॉर इज आईज वे आर सो फुल ऑफ टीयर्स दैट ही डिड नॉट सी द जांट कमिंग उसकी आँखें आंसुओं से भरी थी तो उसे पता ही नहीं चला कि जाइंट वहाँ पर कब आया एंड द जान्ट्स टोल अप बिहाइंड हिम एंड टुक हिम जेंटली इन इज हैंड्स और बच्चे ने और जाइंट जो है वो पीछे से चुपके चुप के आकर उसके पीछे आया और उसके उसको अपने हाथों में बिठा कर वो उसे उसने पेड़ पर पे चढ़ा दिया एंड इसके बाद क्या होता है द ट्री ब्रोक एट वंस इंटू ब्लॉजम और जैसे ही उस बच्चे को उसने पेड़ पे बिठाया तो पेड़ में कलियाँ निकल पड़ी जो बर्ड्स थी वो दोबारा आ गई उन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया छोटा बच्चा था उसने अपने दोनों हाथ फैलाएँ और जैंट के गर्दन को उसने पकड़ लिया एंड किस्ड एंड द अदर चिल्ड्रन व्हेन दे सॉ दैट द जान्ट वाज नॉट विकेड एनी मोर एनी लॉन्गर केम रनिंग जब बाकी बच्चों को भी पता चला कि जो जाइंट है वो बदल चुका है वो पहले जैसा स्वार्थी नहीं रहा तो वो भी दौड़े दौड़े आए एंड विद केम द स्प्रिंग और उन बच्चों के साथ ही स्प्रिंग भी दोबारा से एक बार आ जाता है इट्स योर गार्डन लिटिल चिल्ड्रेन सेट द जा कहता है कि प्यारे बच्चों के तो तुम्हारा ही गार्डन है एंड इट टू अ ग्रेट एक्शन नॉक डाउन द वॉल उसने एक बड़ी सी कुल्हाड़ी ली और समूचे दीवाल को गिरा दिया एंड वेन द पीपल वोइंग टू मार्केट एट ट्वेल्व ओ क्लॉक दाउंड द जान्ट प्लेंग विद चिल्ड्रन इन द मोस्ट इन द मोस्ट ब्यूटिफुल गार्डन दिन और जब दोपहर के वक्त लोग मार्केटिंग को निकले शॉपिंग को निकले तो उन्होंने देखा कि जो जायंट है वो बच्चों के साथ खेल रहा है और ये बगीचा है वो दुनिया के सबसे सुंदर बगीचों में से एक बन चुका है पूरे दिन वो खेलते रहे और इन द इवनिंग द केम टू द जायंट टू बिड हिम गुड बाय शाम के वक्त बच्चे जायंट को गुड बाय कहने के लिए वापस आते हैं पूछते हैं कि बट वे इज द लिटिल कंपेनियन वो तुम्हारा सबसे छोटा कंपेनियन साथी ही कहाँ है ही सेट द बॉय आई पुट इन टू द ट्री वो बच्चा जिसको मैंने पेड पे बिठाया था वो कहाँ गया द जांट लव्ड हिम द बेस्ट बिकॉज ही के ही एट केक्स्ट हिम जाइंट उसे सबसे ज़्यादा पसंद कर रहा था कि उस बच्चे ने जाइंट को किस किया था वी डोंट नो एन से द चिल्ड्रेन ही हैज़ गॉन अवे बच्चों ने कहा कि हमें नहीं पता कि वो कौन था वो तो यहाँ से जा चुका यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टूमोरो अगर वो तुम्हें मिले तो तुम तो मुझसे बिल्कुल बताना कि वो कल दोबारा आए बट द चिल्ड्रेन से डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड एंड यू हर नेवर सीन हिम बिफोर द जाइल्ट फेल्ट वेरी सैड लेकिन फिर बच्चों ने बताया कि उसने उसे कभी देखा ही नहीं इन बच्चों ने उस छोटे बच्चे को कभी देखा ही नहीं अपने जीवन में और पता नहीं वो कहाँ से आया था ऐसा सुनकर जाइंट को काफ़ी उदासी हुई जाइंट फेल्ट वेरी सैड अब हर आफ्टरनून जब बच्चे स्कूल ख़त्म होने के बाद आते हैं तो चिल्ड्रेन केम एंड प्लेड विद द जायट बट लिटिल बॉय होम द जान्ट लव वॉज नवर सीन अगेन लेकिन वह छोटा बच्चा जिसे जाइंट काफ़ी पसंद करता था वो कभी दिख नहीं रहा था जाइंट जो था वो सभी बच्चों के लिए काफ़ी दयालु हो चुका था ही वॉज़ नॉट सेल्फिश ही वॉज़ वेरी काइंड नाउ सेल्फिश का अपोजिट क्या काइंड येट ही लॉन्ग फॉर इज लिटिल फ्रेंड एंड ही स्पोक ऑफ हिम हाउ आई लाइक टू सी हिम ही यूज टू से वो खुद से बातें किया करता कि अब भला मैं उससे कैसे मिल पाऊँगा यर्स वेंट बाई कई साल बीत गए और जो जाइंट था वो अब ओल्ड और फीबल काफ़ी बूढ़ा हो चुका था काफ़ी कमज़ोर हो चुका था फीबल का मतलब कमज़ोर वो अब दिन भर खेल नहीं पाता तो वो अपने आर्म चेयर में बैठा रहता एंड वॉच द चिल्ड्रन एट दियर गेम्स एंड एडमायर हिज गार्डन वो बच्चों को खेलते देखता और अपने बगीचे को की सुंदरता को देखता रहता आई हैव मेनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स चिल्ड्रेन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल वो कहता है कि मेरे बगीचे में काफ़ी सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं लेकिन जो सबसे सुंदर फ्लावर होते हैं वो कौन है वो ये बच्चे हैं एक विंटर मॉर्निंग जब वो खिड़की से बाहर देखता है जब वो ड्रेस कपड़े पहन रहा था ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ फॉर ही न्यू दैट इट वॉज मेड द स्प्रिंग अ स्लीप एंड द फ्लावर्स रेस्टिंग अब उसे विंटर से नफरत नहीं थी क्योंकि तो उसे पता था कि ये वो समय है जब स्प्रिंग सो रहा होता है और फ्लावर्स को भी रेस्ट चाहिए होता है सडनली ही रबड इज़ आइज इन वॉन्डर एंड लुकड एंड लुकड It certainly was a marvelous sight. Suddenly he rubbed his eyes. He rubbed his eyes. He rubbed his eyes. And he said, I am going to go to the was a very sight. Tha. In the farthest corner of the garden, it was a tree quite covered with lovely white blossoms. Its branches were golden and silver fruit hung down from them. And underneath it stood the little boy he had loved. उसके बगीचे के उसी किनारे में जहाँ उसने उस छोटे से बच्चे को देखा था वहाँ वो छोटा बच्चा दोबारा एक बार फिर से उन्हें दिखाई देता है डाउन स्ट्रेयर्स रैन द चाइल्ड जाट इन ग्रेट जॉय सीढ़ियों से दौड़ता दौड़ता जायंट काफ़ी खुशी से वहाँ पे आता है एंड आउट इंटू द गार्डन ही हैजेंड अक्रॉस द ग्रास एंड केम नियर टू द चाइल्ड और जैसे ही वो उस बच्चे के बिल्कुल बगल में आता है ही केम क्वाइट क्लोज हिज फेस ग्रू रेड विथ एंगर एंड ही सेड हु हैथ Dared to wound thee, for on the palms of child's hands were the print of two nails, and the prints of two nails were on the little feet. us bacche ke हाथों mein do keel ke nishan the aur uske पैरों में दो कील के निशान थे. Who had dared to wound thee? cried the giant. Tell me that I will make my big swordns flame. किसने तुम्हारा ऐसा हाल किया ये मुझे बताओ. अभी मैं उसे अपनी तलवार से काट कर रख दूंगा आई विल टेक माई बिग स्वर्ड स्ले हिम मैं भी उसका मैं अभी उसकी हत्या कर दूंगा ने आंसर द चाइल्ड बट दीज आर द दाउंड्स ऑफ लव ये तो जो घाव हैं वो तो प्यार के हैं हु हुट यू हु हर्ट यू किसने तुम्हें ये चोट पहुंचाया? सेट द जाइंट एंड अ स्ट्रेंज ऑफ फेलन हिम एंड ही नेल्ट बिफोर द लिटिल चाइल्ड बच्चा वो जाइंट पूछता है कि आखिर ये किया किसने एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जान्ट एंड सेट टू हिम यू लेट माई प्लेस वंस इन योर गार्डन टुडे यू शैल कम विथ मी टू माई गार्डन विच इज़ पैराडाइज वो छोटा सा बच्चा कहता है कि याद है कि तुमने एक बार मुझे अपने गार्डन में अपने हाथों में अपने हाथों में लेकर मुझे इस बगीचे में पेड़ पर पे बिठाया था अब तुम्हारी बारी है कि तुम मेरे साथ चलो मेरे गार्डन में जो कि पैराडाइज है जो कि स्वर्ग है एंड वेन द चिल्ड्रेन रन इन दट आफ्टरनून द फाउंड द जांट लाइंग डेड अंडर द ट्री ऑल कवर्ड विथ वाइट ब्लॉजम्स और जब बच्चे उस दोपहर दोबारा वहाँ खेलने को आते हैं तो वो क्या देखते हैं कि जो जाइंट है जो वो जो दैत्य था अब वो सेल्फिश तो नहीं था वो काइंट था लेकिन वो जो, जो कोई भी था वो आज मरा पड़ा था उस उसी पेड़ के नीचे जहाँ उसने उस छोटे से बच्चे को पेड़ की डाली पर बिठाया था ऑल कवर्ड विथ व्हाइट विथ विथ वाइट ब्लॉजम्स और जो ये राक्षस था जो दैत्य था उसके ऊपर सफ़ेद फूलों की चादर कलियों की चादर पीछी पड़ी थी मतलब कि वो जो छोटा बच्चा था वो और कोई नहीं इट मस्ट बी गॉड और नेचर हर जो आज उसे स्वर्ग ले जाने को आई थी भगवान के घर ले जाने को आया था दैट्स ऑल अबाउट द स्टोरी आई होप इट्स Clear in meaning to you all. Now, if you have any doubts regarding any word, any stanza, any sentence, please mention it in the comment box so that I may know that if you have any trouble in it. That's all for this video. We shall meet each other in next classes. Till then, thanks and goodbye.